हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी चिकन की करी, बहुत ही सिंपल तरीके से और इतना टेस्टी बनेगा कि आप हमेशा इस तरह से बनाना चाहोगे। और अगर आपको ये सिंपल से रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 1 kg देसी चिकन लिया और इसका साइज मैंने मीडियम रखा है और इसे मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को पहले हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे, इसमें तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ खड़ा गरम मसाला डालेंगे। लौंग, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी, तेजपत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। मैंने इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम में सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम कुछ मसाला रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च, अदरक, लहसुन और सूखी लाल मिर्च लिया। इन सारी चीज़ों का अच्छा से एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। मसाला बनकर रेडी है, प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। चिकन को आपको मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है पहले। ये देसी चिकन है, नमक डालने के बाद ये थोड़ा पानी छोड़ेगा। इसे हम ढककर फ्राई करेंगे, क्योंकि ये देसी चिकन है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जब आप इसे फ्राई कर रहे हो तो इसका फ्लेम मीडियम रखें और इसे कवर करके ही भूने ताकि चिकन थोड़ा जल्दी पके। लगभग ढक कर भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, जो हमने अदरक, लहसुन, मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे। साथ में ही हम ड्राई मसाला भी ऐड करेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच, इसका अमाउंट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें भर के हम 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच यानी कि 1.5 छोटी चम्मच आपको धनिया पाउडर ऐड करना है। हल्दी 2 छोटी चम्मच, आपको चिकन मसाला ऐड करना है। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। हमने इसमें खड़ा गरम मसाला का फ़ौरन डाला था इसीलिए गरम मसाला का पाउडर ऐड नहीं करेंगे। अगर आप उसे फ़ौरन में नहीं डालते हैं तो आप यहाँ पे इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डालना हो तो आप यहाँ पे 1/2 टमाटर डाल सकते हैं या 1 छोटी साइज का पूरा टमाटर ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम कवर करेंगे और इसका फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम में इसे कवर करके हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। इसका फ्लेम आपको लो रखना है और लो फ्लेम में ही इसे ढककर अच्छी तरह से पकने देना है। बस आपको बीच बीच में इसे मिलाना है। लगभग 5 मिनट हो चुका है, इसे मैं एक बार मिला लेती हूँ ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। इसे हम वापस कवर करेंगे और लो फ्लेम में ही अच्छी तरह से पकने देंगे। लगभग लो फ्लेम में भूनते हुए 15 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो मसाले से तेल अच्छी तरह से अलग हो रहा है, मतलब मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि देसी चिकन है, इसे पकने में टाइम लगता है।
अब इसका फ्लेम हम हाई करेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हो ये उबल चुका है। अब इसका फ्लेम हम लो करेंगे और इसे ढककर पकने देंगे। लगभग लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इसे हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम ढककर और 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि धनिया पत्ता का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। और इसका फ्लेम आप मीडियम कर रहे हैं, मीडियम फ्लेम में इसे 5 मिनट के लिए आप उबलने दें। 5 मिनट लगभग हो चुका है और हमारा देसी चिकन करी बनकर रेडी है। आप इस तरह से पतली ग्रेवी वाली एक बार देसी चिकन बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, साथ में बेल आइकन हिट कर दे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलती है एक सिंपल टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।